था, सुंदर हाथ की सुंदर ताली है, बजाओ बजेगी, जीवन में उपस्थित होगी, सब संशय समाप्त हो जाए। ये राम जी कौन? बड़े प्रश्न करते हैं लोग, कौन राम? एक राम घट घट में बासी, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेता, कैसे कैसे प्रश्न करते हैं। देखो भैया, राम जी एक्का ही हैं, चाहे घट घट में बासी हैं या चाहे चक्रवर्ती जी महाराज के सुपुत्र हैं, राम एक ही हैं। कई तो कह रहे हैं कि राम जी है ये नहीं है, इस पर यही निवेदन है कि देखो अब है ये नहीं तो बहुत चीज नहीं है। झूठ के लिए सांच नहीं है, सांच के लिए झूठ नहीं है, सज्जन के लिए दुर्जन नहीं है, दुर्जन के लिए सज्जन नहीं है। अब जिसको दिखे उसको बहुत अच्छा, जिसको नहीं दिखे उसके लिए कुछ नहीं है। माने ये जो कहा अपर को, बाबा कहते कहीं सुनहि अस अधम नर ग्रसे ज मोह पिशाच, साच पाखंडी हरि पद विमुख ज जाने जोटन साच। अज्ञानी है, अकोबिद है, अंधे हैं, अब आगे कौन कह रहा है? बोले बाबा कही रहे कहीं त वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि, मुकुर मलिन दर्पण में मिट्टी पड़ी है और दिखाइयो नहीं पड़ रहा है, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहिं किं दीना। जिनके अगुणन सगुन विवेका, चल पहि कल्पित वचन, हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिनहि कहत कछु अघटित, कुछो कह सकते। और बाबा ने कितना सुंदर कहा हो, बातुल, बातुल मैंने जिनको बात रोग से पीड़ा होती है, कभी घुटने में, कभी कमर में, कभी केहुनी में, कभी गट्टा में, कभी गटई में, जिसको बात की बीमारी होती है उसको कब कहां दर्द होता है पता नहीं चलता है, क्योंकि शरीर में 64 प्रकार की वायु है। वो कभी पीठी में घुस जाती है, हम लोग कथाकार हैं, बैठे बैठे रहते हैं तो पीठी में घुस जाती है, कभी कमर में घुस जावे, और भैया जहां आप स्पर्श करेंगे वहीं दर्द होता है। बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं देवी बातुल, बात की बीमारी से पीड़ित जीव, भूत विवश जिनको भूत पकड़े हैं, अथवा जो नशे में है, बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही भगवान को कुछो कह सकत। और जो परम ज्ञान रूपी मदिरई में डूबे हुए हैं, जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करिए नहीं काना। भगवान के बारे में कोई बोले, सुनिए ध्यान रखिएगा, हम लोग तो कथाकार हैं, हर कथा में दूठे पर्ची आती है भगवान के विरोध की, ऐसे पकड़ते हैं और गोमुखी में धर लेते हैं, कमरे में ले जाके फाड़ फूड़ के डस्टबिन में डाल देते हैं। क्यों? किसी भी प्रकार का कोई विरोधी भगवान का कुछ प्रश्न करे तो उस पर कदापि चर्चा नहीं करना चाहिए। आप कहेंगे क्यों? आजकल सात्विक चर्चा की कोई महिमा नहीं रही लोगों में, आदमी निगेटिव ही सुनना चाहता है। पत्रकारिता भी भारत की टोटल निगेशन में चली गई है। तारकेश्वर बाबू, सात्विक समाचार नहीं, सात्विक बात नहीं, सात्विक कथा नहीं,
तो उत्पाती बातचीत। भगत को इससे बचना चाहिए, नकारात्मक चिंतन से बचना चाहिए, नकारात्मक चर्चा से बचना चाहिए, नकारात्मक सोच से बचना चाहिए, करने ही नहीं चाहिए। संत की चर्चा करना चाहिए, असंत वाले प्रसंग को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। आदमी बड़ा विचित्र है साहब, मेरे बाबा ने कहा तिन कर कहा करिए नहीं काना। उनकी बात सुनो ही नहीं, कहे रहे कहने दो, आगे बढ़ो। माँ का प्रश्न है, निर्गुण भगवान सगुण क्यों भैया? बाबा का उत्तर आया, सगुण ही अगो नहीं नहीं कह छुभे सिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावर रघुकुल मनि मम स्वामी कहे शिव जो निर्गुण प्रभु है वही भगत प्रेम बस सगुन सो। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।